भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और वर्ल्ड चैंपियन वेटलिफ्टर साइखोम मीराबाई चानू को 25 सितंबर को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। चानू को पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के कारण इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। मणिपुर की निवासी चानू ने इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन चोट के कारण एशियाई खेलों में भाग नहीं ले पाए। मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने साइखोम मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रदेश मणिपुर की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में अपना एक इंटरनेशनल पोजीशन बनाई है और मैं उसके लिए मुबारकबाद दे चुकी हूँ। मैंने उसको बधाई दी थी, मगर आज दोबारा से मैं इस बात से खुश हूँ कि देश का सबसे बड़ा अवार्ड खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न के लिए मीराबाई चानू को चुना गया है। मैं दोबारा से मीराबाई को मुबारकबाद देती हूँ। इट इज ए प्राउड मोमेंट ऑफ द होल मणिपुरीज दैट कुमारी साइखोम मीराबाई देवी हैज बीन सेलेक्टेड टू कन्फर द हाईएस्ट ऑनर स्पोर्टिंग ऑनर द राजीव गांधी खेल रत्न व्हिच शी डिजर्व। आई also want to thanks the Ministry of Youth and Sports for selecting her, and I also would like to congratulate the Mirabai Chanu on behalf of the state of Manipur and its peoples. सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि 2019 में एसडीएफ लगातार छठी बार सरकार बनाएगी। दक्षिण जिले के नामची में एसडीएफ की अमरेला यानी छाता रैली के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र राय ने यह टिप्पणी की। बाद में यह रैली जनसभा में बदल गई। पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद नामची के सेंट्रल पार्क से शुरू हुई यह रैली सिंगीथांग में आकर समाप्त हुई। रैली का आयोजन एसडीएफ पार्टी की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी ने किया था। एसडीएफ इससे पहले ईस्ट और वेस्ट सिक्किम में अम्ब्रेला रैली का आयोजन कर चुका है। हमारे नेता पवन चामलिंग के नेतृत्व में चुनाव जाएगा 19 में भी, उसी के नेतृत्व में होगा ये चुनाव। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने करोड़ों के राफेल करार घोटाले का विरोध जताने के लिए अगरतला में प्रदर्शन किया। पार्टी के कुछ राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में यह प्रदर्शन किया गया। एआईसीसी के देशव्यापी कैंपेन के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी शहर में यह प्रदर्शन रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को एक ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष केशव चंद्र यादव और उपाध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 1,30,000 करोड़ का वो जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, पूरी की पूरी लूट हुई है। नरेंद्र मोदी जी और नीरव अंबानी ने मिलकर किया है। इस पर सवाल है कांग्रेस पार्टी का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, और हम सभी लोग लड़ रहे हैं। इसलिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और उनके जो सहयोगी लोग हैं, चाहे विप्लव देव हो या मुख्यमंत्री, चाहे देश में जो भी लोग हो, उनको जवाब देना होगा। आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जो घोटाला हुआ है। इंडोनागा राजनीतिक मुद्दे पर 18 सितंबर को जॉइंट लेजिस्लेटर्स फोरम के पुनर्गठन के बाद 13वें नागालैंड विधानसभा के द्वितीय वाणिज्यिक सत्र के दौरान कल नागा राजनीतिक मुद्दे पर संकल्प ग्रहण किया गया। सदन में सर्वसम्मति से 6 सूत्री संकल्प को ग्रहण किया गया। साथ ही इंडोनागा राजनीतिक मुद्दे को सुलझाने के लिए पिछले कई दशकों से नागा लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयास की भी प्रशंसा की गई। मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने इस मुद्दे पर सदन में कहा कि नागा राजनीतिक खूनी संघर्ष ने कई लोगों की जान ली है। नागा राजनीतिक मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार को धन्यवाद दिया और मामले के सफलतापूर्वक निपटारे की उम्मीद जताई। कल
पूरे राज्य में पत्रकार शांतनु भौमिक को उनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पर याद किया गया। विभिन्न संगठनों और पत्रकार संघों ने इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए। अलग त्रिपुरा लैंड की मांग में पिछले साल 20 सितंबर को आईपीएफटी के सड़क अवरोध की खबर को कवर करने गए पत्रकार शांतनु भौमिक पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। इस हमले में स्थानीय टेलीविजन चैनल दिन रात के लिए काम करने वाले पत्रकार भौमिक की मौत हो गई थी। गुरुवार को उनके सहकर्मियों ने उन्हें पहली मृत्यु तिथि के अवसर पर याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शांतनु भौमिक एक साल पहले मर्डर हुआ था। वो मर्डर लेके ये त्रिपुरा का जर्नलिस्ट लोग बहुत सारा मूवमेंट किया, पूरा देश में ये मूवमेंट फैला, राष्ट्रपति का द्वार तक हम लोग गया। एज ए रिजल्ट लास्टली गवर्नमेंट चेंज होने के बाद सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया गया। सीबीआई का प्रोग्रेस अभी तक इतना नहीं देख रहा है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन तुरंत खत्म करे एंड जो दोषी है, जो क्रिमिनल है, जो मर्डरर है, उनको पनिश किया जाए।